का भी करियर है और ये भी हमारी बहन जैसी है। काफी कर दी है तो इसके लिए हम टाइम लिए। दोनों सुई है तो दोनों इस चीज को सुधार लाएंगे। इस कलेंट का भी केस करते हैं तो मुफ्त में नहीं लड़ते हैं, फीस लेते हैं। तो लड़ते ही लोग झगड़ते तो हमको ज्यादा बेनिफिट होता। आज रोशन रोही और किरण दोनों ही आपके साथ है वकील साहब, क्या कुछ बातचीत हुई? कई दिनों से ये विवाद लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा था इन दोनों का। देखिए, इसके संदर्भ में आप लोगों मैंने खबरें चली भी थी, तो इसमें पूरा ये प्रकरण समझिए कि मेरा एक पेशा वकालत का, लेकिन मैं सामाजिक पहलू को अपने पेशा में ज़्यादा अहमियत देता हूँ। वकील के पास जब केस लड़ते हैं तो वकील को फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। लेकिन मुझे जब ये बातें ये आए उस टाइम में मुझे लगा दोनों के बीच में मैंने देखा कि झगड़ा का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है दोनों पक्षों को। इनके तरफ से भी उमेश जी हैं, इधर जो अखिलेश जी किसी के नाम के मोहताज नहीं है, और इन लोगों की बहुत सराहनीय भूमिका रही है इन दोनों के बीच में जो भी कुछ बातें थी। देखिए, दोनों में दोस्ती थी, अच्छी परिचय थी, अब रिश्ते की बात भी चल रही थी। इस बीच में कुछ बातें ऐसी हो गई जो सद्भावना पूर्वक ही थी, लेकिन बात कहने में इस तरह का हो जाता है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतांतर हो गया था। तो इन लोगों का यही कहना है कि कुछ दिन का हम लोगों को वक्त चाहिए, रिश्ते में सुधार होंगे तो और रिश्ते में भी परिवर्तन हो सकते हैं। और इन दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास है, दोनों की बात मैं कह रहा हूँ, एक तरफा नहीं। कुछ गलतियाँ लोगों के बीच में होती है जिससे रिश्ते में खटास आते हैं। और किरण जी जो है उन्होंने कहा कि सर घर बस जाना चाहिए यदि हमारा अच्छा ये स्वभाव है, और ये बोले कि देखिए हम घर बसाने की बात क्या करेंगे, केस मुकदमा हो गया, चारों तरफ आप हमको बदनाम करने की कोशिश किए। लेकिन जो भी आरोप प्रत्यारोप का ठीक है, और गार्जियन की भूमिका में जो है सो अखिलेश जी का बहुत अहम योगदान रहा है, डांट टपट कर दोनों पक्ष को एक पिता के की भूमिका में आज आए, और दोनों को देखा मुझे भी काफ़ी खुशी हुई। और इधर से लड़की के तरफ से गार्जियन की भूमिका में उमेश जी रहे, और उन्होंने कहा कि दोनों घर बसे, सभी सद्भावना पूर्वक था। तो इसी उम्मीद का कि इन लोगों के बीच में जो कुछ मतांतर है, क्योंकि रिश्ते में एक ही रात में ऐसा नहीं कि अब सुधार हो जाएगा, रिश्ते को सुधरने बिगड़ जाते तो सुधरने में भी वक्त लगता है, तो थोड़ा सा इन लोगों को समय चाहिए, ताकि यदि सुधार हो गया तो हो गया, नहीं तो भाई ये भी केस करने के लिए स्वतंत्र है, ये भी बचने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी कोई नौबत नहीं आए, और दोनों के बीच में आपसी समझौता से हुआ बिना किसी दबाव भाई के। बाकी ये भी बताएंगे कि क्या है, एक लाइन में ये भी बता सकते हैं, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। रोशन जी, जिस प्रकार से लगातार आप दोनों का विवाद चल रहा था, वकील साहब का कहना है कि आप दोनों में आपस में बातचीत हुई है, तो क्या चीजें सही होने पर आप दोनों की एक होने की संभावना है? संभावना है, लेकिन अभी जो सर से हम बात किए हैं और क्योंकि गलती काफी कर दी है तो इसके लिए हम टाइम लिए। किरण सिंह, जैसा कि रोशन का कहना है कि आपने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगी और जो आपके रिश्ते पहले थे उस प्रकार हो पाएंगे, रिश्ते को बचा पाएंगे कि नहीं, क्या लगता है? हाँ, गलती तो दोनों से हुई है तो दोनों इस चीज को सुधार लाएंगे। तो आप कोशिश करेंगी कि ये रिश्ता आपका बच पाए, क्योंकि लगातार कंट्रोवर्सी बढ़ता ही जा रहा था सोशल मीडिया। क्या किस चीज के लिए हम इतने लोग में इतने बीच में आए? अपने बचाव के लिए इनका यही कहना है, कह नहीं पा रही, रिश्ते को बचाने के लिए ही इनका जो भी चीज था, गलतियां ये हुई कि ये घर पर चले गए, मीडिया में आए, बंद कमरे की चीज आई, तो इनका यही दलील है कि देखिए ये रिश्ते बचाने, इनको पाने के लिए हमको जहाँ लगा जो लगा उस टाइम में तो हमने वो किया, तो इनको पाने के लिए वो चीजें थी। आपको नहीं लग रहा है कि आपने रिश्ते बचाने के लिए जो चीजें कर रही थी कुछ ज्यादा हद तक आप चली गई और वो आपके रिश्ते को और तोड़ते ही चला गया? इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, बट सर के पास आए तो सर तो बहुत हेल्प किए, और भैया दोनों मेरे जो अखिलेश भैया रोशन की तरफ से आए और ये मेरे तरफ से, तो दोनों लोग बहुत अच्छे से समझाए गार्जियन बन के, मुझे अच्छा लगा। क्या कहेंगे सर आखिरी में, आगे से बयान आखिरी में? देखिए सब, ये एक मैसेज है समाज के उन तमाम लोगों के लिए कि लड़ाई झगड़ा करने से आपका समाधान नहीं होता है, बातचीत से यदि प्यार से संयमित तरीके से रहेंगे तो रिश्ते में दिन प्रतिदिन सुधार आ सकता है। और ये लोग भाग्यशाली हैं, मैं किरण को भी भाग्यशाली कहूँगा और रोशन को भी भाग्यशाली कहूँगा कि ये गार्जियन के भूमिका में अखिलेश जी जैसे सद्भावनापूर्वक लोग आए जो पहल करने, तो लोग समाज में तोड़ने के लिए आते हैं, जोड़ने के लिए नहीं आते हैं। तो उमेश जी का या अखिलेश जी की बहुत माने अहम भूमिका है, और सचमुच इससे यह स्थापित होता है कि भोजपुरी दुनिया में इन लोगों का कद यूं ही बड़ा नहीं है, इनका कर्तव्य है, इन लोगों का जो
एक ये लगता है कि ये लोग चाहते कि भोजपुरी के जो नए स्टार हैं, जो कुछ लोग उभरते हुए हैं, इन लोगों पर संकट आता है तो एक भीष्म पितामह की तरह इन लोग खड़ा होते हैं। यही चीज़ इन लोगों को महान बनाता है। और वकील के तौर पर मुझे लगता है कि हर लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि सामाजिक भूमिका हमारे थोड़े से पहल से यदि किसी का रिश्ता सुधर जा रहा है, बस जा रहा है, तो वो काम करते हैं। और ये बहुत सारे लोग अभी हंसी आ रही है कि कहते हैं कि वकील साहब तो पैसा लेके करते, तो भाई मैं ऑन कैमरा कहता हूँ कि वकील का फीस होता है, हमको हम जिस क्लाइंट का भी केस करते हैं तो मुफ्त में नहीं लड़ते हैं, फीस लेते हैं। तो लड़ते ही लोग झगड़ते तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होता, लेकिन वो मैं नहीं हूँ सामाजिक चीज़ों पर। हाँ, इन लोगों के बयान से, इन लोगों के कर्तव्य से समाज गंदा होता है, इसीलिए सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा सोचना होगा, युवा पीढ़ियों को, कि ऐसी कोई भी हरकत नहीं कीजिए जिसे समाज में गलत मैसेज जाए। एक मौका दिया गया है, दोनों के आपसी समझौते से यदि रिश्ते सुधरते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी उतना ही खुशी का चीज़ होगा। और कहते हैं कि रिश्ता तोड़ने में वो आनंद नहीं जितना रिश्ता बचाने में है, और हम अपना कुछ भी श्रेय नहीं लेंगे, सारा श्रेय अखिलेश जी को और उमेश जी को जाता है। जो भी थाने में आवेदन दिया गया था, देखिए जब रिश्ते सुधर जाएंगे तो आवेदन क्या, कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो कागज पत्र का क्या है जब रिश्ते में सुधार है। और आपको बता दें, यदि रिश्ते में छल कपट परपंच और विश्वास न हो तो कागज पत्र ताला चाबी कुछ नहीं होता है, इसीलिए ये सब चीज़ें नहीं है। ये लोग दोनों पक्ष यदि एक हो जाएंगे तो कुछ नहीं। और इसका मतलब ये कतई नहीं निकालना चाहिए आपको, मैं बता रहा हूँ कि एक हो गए शादी हो गई, ये कुछ नहीं है। रिश्ते सुधरेंगे तो शादी में प्रगाढ़ता आती है, बनते हैं। अभी फर्स्ट राउंड का बातचीत हुआ जिसमें सकारात्मक संकेत मिले हैं, अब दोनों आदमी अपने व्यवहार में यदि रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो दोनों पक्ष स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से काम करने के लिए। यही मेरा ये एक सवाल होगा, अपने इधर बैठे सर, लगातार सोशल मीडिया पे किरण और रोशन रोही का विवाद चल रहा था जिसको लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, आज दोनों में सुलह होने की बातचीत चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम नहीं कहते भाई खुश रहो, जो हमारे भाई है वो, उसका अभी मगह में भाई वो बहुत बड़ा स्टार बन चुका है, तो उसका भी करियर है और ये भी हमारी बहन जैसी है, ये भी उसको मानती है, तो हम लोग कब चाहेंगे। और किसी भी हम उस टाइम भी बोले थे इन लोग के बारे में, कोई पूछा था तो, जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो हम दुनिया को बताने नहीं जाते हैं कि हम आपके साथ रिलेशन में, जब हम दूर होने लगे या हमारी बातें बिगड़ जाती है तो फिर हम ये दुनिया को क्या बताते हैं। ये दुनिया हो गई, मीडिया हो गई, थाना हो गया, कोर्ट हो गया, ये हमारे साथ कोई नहीं देगा, बस हमें बर्बाद करेंगे, हमें मिसगाइड करेंगे, कोई भी हो। तो हमारे रिश्ते अगर खुद के वजह से ख़राब हुए हैं तो खुद के वजह से सही होंगे, अगर इसमें तीसरे लोगों की एंट्री हो, हमारी हो, इनकी हो, चाहे वकील साहब की हो, किसी की भी हो, तो हम लोग एक सुझाव दे सकते हैं या इनके तरफ से बोल सकते हैं, उनके तरफ से बोल सकते हैं, इस रिश्ते को सही नहीं कर पाएंगे। तो दोनों लोगों को करना है, और दोनों लोग में जब इतना प्यार था, इतना अच्छे से 2 साल 2.5 साल ये लोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें छोटी सी, ये सब चीज़ें छोटी पड़ जाएगी अगर वो चीज़ को याद करेंगे ये लोग। तो बहुत कुछ है इन दोनों में अभी पाने के लिए, ऐसा नहीं है कि दूर हो जाएंगे। और शादी विवाह, रिश्ता जब सही हो जाएगा तो वो शादी विवाह, और हमारे हम लोग जिस धर्म से, जिस जहाँ से आते हैं, जिस कल्चर से, हमारे यहाँ डाइवोर्स केस कोर्ट कचहरी नहीं चलता है, हम लोग इमोशनल आदमी हैं, हमारे बिहार के वो हर इंसान इमोशनल है, तो सब लोग एक दूसरे के साथ रह के अपना काम करेंगे, हम लोग तो यही चाह रहे हैं। धन्यवाद। एक चीज़ और, छोटा सा आपको बता दें, रिश्ते बनाने में और बचाने में एक बच्ची है, उसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, जनरली हम करते हैं, वो बड़ी सद्भावनापूर्वक ऐसे ही हूँ, उसको पता चला कि हम इस केस को देख रहे हैं तो बड़ा आग्रह की सर मिला दीजिए, रिश्ता बना दीजिए। तो वो बच्ची यहाँ है, आप सुरक्षा से यदि चाहे तो बयान ले ले, ये बड़ा रिक्वेस्ट की कि सर रिश्ता बचा दीजिए, तो आज की युवा पीढ़ी देना है बयान आपको, दे दीजिए। ये बड़ा सद्भावनापूर्वक, ये दोनों का फैन है और इसकी भी एक अहम भूमिका थी, दोनों के फैन है और ये चाहते हैं कि दोनों मिल जाए, शादी कर लें। हम इसलिए सर को भी बोले थे कि सर आप एक बार ये दोनों को मिलाने का काम कर दीजिए, तो सर अपना मतलब हम तो कहेंगे सर भी महान है, भगवान है, जो इतना बड़ा एक कदम उठाए इनको मिलाने में, बुलाए न, तो वकील लोग क्या सोचते हैं कि भाई लड़े झगड़े हमको अपना केस में फायदा उठाएंगे, लेकिन ये तो हमको क्या मतलब लगता है पहले ऐसे वकील हैं जो ऐसा काम किए हैं, इनके लिए बहुत बहुत हम दिल से थैंक यू इनके। ये हमारे भोजपुरी समाज के वकील है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे वकील है, इनके बारे में हम क्या बोले। और जो भी भोजपुरी में केहू लड़ा था झगड़ा था, तो खाली भैया मेरी कोशिश कर लेवे के बाबे के अगर लड़ाई झगड़ा तो ये दोनों बहुत खुश नसीब थे कि मौका मिला कि सिमरंदन सर के पास आए अपना केस लेकर के। बिल्कुल, बहुत बड़ा नसीब है ये दोनों को,
हम तो दुआ भी करेंगे कि दोनों मिल जाए, शादी ब्याह हो जाए। और इनका भी है, ये हमारे उमेश भाई है उधर, पंकज भैया हमारे हैं कैमरा में, सबका सहयोग है और ये दोनों खुश रहे। हम लोग का कोई मीडियाबाजी नहीं चाहिए और नाम का परिचय का मोहताज थोड़ी बनी जामनी के, सब कोई जाना था। तो ये दोनों खुश रहे, ये दोनों आजीवन हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।